अनूपपुर जिले में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल जमकर हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक जनपद सदस्य वन चौकी में घुसकर वहां से ट्रैक्टर छुड़ाकर ले गए। दरअसल ये मामला गुरुवार की दरमियानी रात राजेंद्र ग्राम थाना अंतर्गत वन चौकी बमहनी का है, जहाँ जनपद सदस्य नेम सिंह सहित 8 से 10 लोग रेत से लोड ट्रैक्टर वाहन को लूट ले गए। वहीं इस घटना के बाद वन विभाग ने राजेंद्र ग्राम थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। वहीं अब देखना होगा कि रेत माफियाओं पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। अनूपपुर से संवाददाता ओंकार सिंह की रिपोर्ट। 17 अक्टूबर को बमनी चौकी में हम लोग ने ट्रैक्टर को रास्ते से मतलब पकड़ा था, ठीक है। उसमें रेत भरा हुआ था ट्रैक्टर में, तो उससे कागजात की पूछताछ की गई कि क्या कागज हैं रेत के, तो कोई ड्राइवर द्वारा कोई कागज नहीं दिखाया गया। तो फिर हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए उसको चौकी में लाके खड़ा किया था, बमनी चौकी में ही, ठीक है, गिरारी सर्कल में आता है वो। उसके बाद आधे एक घंटे के बाद जनपद सदस्य हैं नेम सिंह करके, उनके साथ 8-10 लोग थे, वो गुंडागर्दी करते हुए व्यवस्थित स्टाफ के साथ अभद्रता करते हुए, चाबी तो उन्होंने जब्त कर ली थी, तो डायरेक्ट ट्रैक्टर को डायरेक्ट करके छीन के ट्रैक्टर ले गए, धक्का मुक्की करके, गाली गलौज करते हुए, और धमकी भी दे गया कि हम देख लेंगे। तो वही है, उसके बाद फिर हम लोगों ने रात को ही थाने में आके पूरी घटना की जानकारी थी और रिपोर्ट की थी, और अभी FIR हो गई है, लूट मतलब लूट की इसमें FIR हुई है। थाना राजेंद्र ग्राम क्षेत्र अंतर्गत एक शिकायत प्राप्त हुई है, और वीडियो में भी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो भी जिसको संज्ञान में आते ही सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर तत्काल ही कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की गई है, जिसमें जो संबंधित विभाग है उनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस आवेदन पत्र पर से हमने FIR दर्ज की है, जिसमें BNS की धारा 309 ब्रैकेट में 4 और धारा 132, धारा 221, 296 और 3 ब्रैकेट 5 में ये इन सेक्शंस में FIR दर्ज की गई है, और तत्काल आगे जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करके जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा।